हाय तानिया, बहुत टाइम बाद फाइनली टाइम मिल गया डॉक्टर माधवी से मिलने का। और बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में थे चीजों को लेकर, तो क्या क्या पूछना चाहते हो? डॉक्टर माधवी तुम्हारे साथ हैं। I am visiting Dr. Madhavi for the first time and I've heard so much about the clinic and her. So, जैसा देख रहे हो जब आगे फूट फूट के आ रही है मेरे तक, I mean acne, I think हमारी एज के लोगों को एक्ने प्रॉब्लम होती ही होती है, और जस्ट बिकॉज आई वर्क इन टीवी doesn't mean कि मेरे को नहीं होती, मुझे बहुत होती है। एंड आज मुझे टाइम मिला है, सो आई मेक श्योर दैट आई विजिट हर। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू दैट इवन लाइक ऑब्वियसली वी आर नॉट इन अ टीन कि यू नो एक्ने, लेकिन अभी तक मैं एज नहीं बता रही, अभी तक क्यों मुझे एक्ने आ रहा है? ऐसा एक्ने का कोई टाइम नहीं होता है। इफ देयर इज एनी हार्मोनल फ्लक्चुएशन एंड देयर आर ट्रिगरिंग फैक्टर्स लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, टाइम ऑफ ईटिंग, जो इंसान सिर्फ जंक फूड खाता है उसका क्या? सिर्फ जंक फूड खाता है उसको हर किसी का हर सेंसिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट जगह होता है। जैसे मे बी इन योर केस इट्स एक्ने, किसी किसी को हेयर प्रॉब्लम्स हो जाती है। ओके, अगर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, स्ट्रेस है या कोई भी चीज जो ट्रिगर करती है, अगर उनमें हेयर सेंसिटिव है तो दे विल गेट हेयर फॉल, हेयर थिनिंग इफ देयर इज लॉट ऑफ हार्मोनल फैक्टर्स। इवन इफ यू आर लाइक सुपर यंग, या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, एनी एज यू विल हैव सम हार्मोनल फ्लक्चुएशन, दे कैन हैव दैट। Okay. And they will, it will show in some form like hair. So the scars जो acne छोड़ता है, that is curable, right? Like with some cream or any, it can go away. But if you are getting new acne, acne will definitely leave marks. So उसके लिए तुमको खुद से changes करने बहुत जरूरी है। So what are the like three basic changes you think that a person should do in their lifestyle to avoid such breakouts? तुम्हारा डाइट में बेसिक जो डाइट है, आई एम नॉट सेइंग दैट कंप्लीटली अवॉइड जंक, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स इम्पॉसिबल, समटाइम्स यू कैन हैव, बट जो बेसिक डाइट होता है, जैसे प्रोटीन ज्यादा आपका, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो देन, अगर आप वेज हो तो वैसे भी प्रोटीन कम जाता है, बट यू फोकस ऑन हैविंग स्प्राउट्स, पनीर, टोफू, कर्ड्स है, राजमा, छोले, ये सब ज्यादा आप लोग, सिट्रस फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जैसे तुमने पूछा कि जो एक्ने मार्क्स रह जाते हैं, तो मार्केट में विटामिन सी जो सीरम होते हैं, आर दे हेल्पफुल? ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट, लाइक बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग विटामिन सी, यार यू सेड कि सबकी स्किन डिफरेंट होती है, सेंसिटिविटी होती है, आई मतलब तो पिंपल तो जाता है लेकिन इट ड्राइज आउट योर होल स्किन सो बैडली, सो आई स्टॉप यूजिंग विटामिन सी, बट आई एम श्योर देयर इज अ वे टू यूज इट ऑन द टाइमिंग। या अगर विटामिन सी सीरम्स आपको सूट नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, देन इट इज नॉट मेड फॉर यू, और मे बी यू कैन जस्ट स्टार्ट विद वंस अ वीक, स्लोली स्लोली आपकी स्किन को वो उसकी आदत पड़नी चाहिए। जैसे एक बार लगाया आप उसको छोड़ दो आराम से, उसको आदत पड़ने दो, नेक्स्ट वीक आप उसको दो बार लगा, ओके, धीरे धीरे लगा, और सबसे पहले मॉइस्चराइजर का लेयर लगा, उसके ऊपर विटामिन सी लगा, ताकि वो डायरेक्टली तुम्हारे स्किन पे अटैक ना करे। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग व्हिच वी शुड अडैप्ट? एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर स्किन, इफ योर हेयर इज शोइंग सम इफेक्ट लाइक हेयर फॉल हो रहा है, या क्योंकि योर स्किन, योर हेयर नीड्स गुड ब्लड सर्कुलेशन, और वो एक टाइम पे, एक एज क्रॉस करने के बाद आपका कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है, यू नीड टू बिलीव दैट। या देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड समोसा, नॉट समोसा, एग्जैक्टली, बिकॉज़ योर बॉडी मेटाबॉलिज्म वाज ग्रेट दैट टाइम, ओके, आपको कोई एसिडिटी नहीं होती थी, आपको कोई इंडाइजेशन नहीं होता था, बट आपको ये सब प्रॉब्लम होते हैं तो आपको एफर्ट ज्यादा डालने होते हैं, जब जो कि हम उल्टा करते हैं, हमेशा ज्यादा बिजी हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस होता है लाइफ में, पहले नहीं होता था स्ट्रेस, राइट, स्कूल कॉलेज कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तो हम अब हम काम भी करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ भी जीते हैं, और फिर खाने पीने में भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो तो गलत है। सो एक्सरसाइज सेकेंड, थर्ड आपका क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन एंड सम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड्स। ओके, सनस्क्रीन इज, आई थिंक ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स,
थोड़ा मुझे और एक बार देखना पड़ेगा इधर, अगर ये एक्ने मार्क्स और एक्ने बहुत रेड है तो हम स्किन सरफेस रिजुविनेशन करेंगे जिससे रेडनेस, सेंसिटिविटी, ड्राइनेस कम हो जाएगा. ओके, देन योर स्किन इज देयर समथिंग वेरिंग कि आप कुछ ऐसे घुमाओ फिर मेरे एक्ने थोड़े कम हो जाए. आई विश मैं अगर सिर्फ करती तो सब चीजें हो जाती, बट आई नीड योर हेल्प टू. ओके, व्हाट यू डोंट मी आई एम कीपिंग माय यस. सो वो सब चीजें आप करो, मैं मेरा काम करूंगी. और ये जो SSR है, स्किन सरफेस रिजुविनेशन, इसमें हम इंटेंस पल्स लाइट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. सो वंस योर सेंसिटिविटी रेडनेस विल कम डाउन, देन योर स्किन इज रेडी फॉर सम एडवांस ट्रीटमेंट्स, जैसे PRP फेस है जिसको हम वैम्पायर फेशियल्स भी बोलते हैं. सो विच विल वर्क ऑन द स्पॉट्स, फाइन लाइन रिंकल्स, यू नो, इट विल हेल्प इन बिल्डिंग कोलेजन. सो इट विल वर्क एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट एज वेल. So, we'll do that today. I'm ready to look out. Chalo, fir. Let's do it. Chalo.